जंप कैसे बढ़ाए, लॉन्ग जंप में कैसे इंक्रीज करें। दोस्तों आपको यकीन के साथ बता रहा हूं, मैं खुद 23.5 फीट लॉन्ग जंप कर रखा है और यही सब एक्सरसाइज मैंने फॉलो करा है। बार बार लॉन्ग जंप करने से आपकी लॉन्ग जंप नहीं बढ़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखो, 23.5 फीट मैंने लॉन्ग जंप कर रखा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जो एक्सरसाइज आपको मैं बताने वाला हूं वो आपको वीक में 2 से 3 दिन करना है, याद रखना 2 से 3 दिन करना है। इस एक्सरसाइज से आपका स्पीड और पावर में इंक्रीज होगा। और आपको बता दूं, जिसकी स्पीड अच्छी है और पावर अच्छी है वो लॉन्ग जंप बिल्कुल आराम से कूद जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज करना है आपको ए स्किप। दोस्तों ए स्किप में आपको क्या ध्यान रखना है, आपका ये बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, जैसे वीडियो में देख रहा है सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। 20 मीटर तक आप फास्ट करोगे, उसके बाद आपको 30 मीटर तक शूट मारना है फास्ट स्पीड में। तो दोस्तों मैं बात करूंगा बी स्किप की। बी स्किप में आपको ध्यान कर रखना है, बॉडी सीधी रखनी है, आपको पहले घुटना चेस्ट के पास आके फिर ऊपर से घूम के जाएगा, ये भी आपको फास्ट करना है। ये भी 20 मीटर आपको एक्सरसाइज करनी है फास्ट, फिर उसके बाद 30 मीटर आपको वो करना है, सूट लगाना है। फिर बात करूंगा दोस्तों हाई नी। हाई नी दोस्तों देखो, एक लॉन्ग जंप आप ऐसे कूद रहे हो और एक हाई नी में अगर आपकी रनिंग आती है तो आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। हाई नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड और पावर के लिए। बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज की, मिनी हाई नी, जो आपकी बिल्कुल होती है ना स्पीड में, पर जल्दी 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 जल्दी, जितना स्पीड अच्छा होगा उतना आपका लॉन्ग जंप इंक्रीज होगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बात करूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की, स्क्वैट जंप। स्क्वैट जंप से दोस्तों आपका क्या फायदा है, आपके थाई में, आपके जो एंकल में उछलने की पावर है वो अच्छा इंक्रीज होगा। सेम टू सेम आपको स्क्वैट जंप इसी टाइप से करना है, फ्रॉग जंप टाइप से भी कर सकते हो। तो बात करूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की, हनुमान जंप। हनुमान जंप एक ऐसी एक्सरसाइज है दोस्तों, जो लॉन्ग जंप हो, चाहे स्प्रिंट लगा रहे हो, चाहे हाई जंप कर रहे हो, हनुमान जंप आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। इसमें आपका क्या है, जब आप लॉन्ग जंप के फट्टे पे लाइन पे आते हो तो आपको पुश करना होता है ऊपर की साइड में, हनुमान जंप आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों मैं बात करूँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की, होपिंग जंप, जिसे हम कहते हैं सिंगल लेग जंप। होपिंग लेग जंप दोस्तों आपको बिल्कुल आराम आराम से पहले एक दो सेट करना है, जब आप कंफर्टेबल रहे तो, जब आपको थोड़ा उठा उठा के नहीं, घुमा घुमा के लाना, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और इससे आपका दोस्तों पावर और स्पीड में अच्छा इंक्रीज होगा। यकीन मानो दोस्तों, ये ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि आपकी लॉन्ग जंप को अच्छा इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ये आप जंपिंग वाली एक्सरसाइज थोड़ी संभल के करना, ठीक है। बात करूंगा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, बाउंडिंग। दोस्तों बाउंडिंग आपके स्पीड और पावर और आपके लॉन्ग जंप के लिए काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट डालेगा। सेम टू सेम आपको ट्राई करना है, स्टार्टिंग में नहीं होता एक्सरसाइज, लेकिन सेम टू सेम आपको ट्राई करना है ऐसे ही करने की। अगर दोस्तों वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही हो ना तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल जरूर करना, क्योंकि नया चैनल है मेरा। आपको मैं बता दूं, आपके लिए मैं नई नई वीडियो लेके आऊंगा। अब किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो, बेस्ट वीडियो ला के दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।